हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर वीडियो में हमने कॉम्पटन प्रभाव स्टार्ट करवा दिया था और कॉम्पटन प्रभाव से पहले मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पटन सिद्धांत। कॉम्पटन सिद्धांत में क्या बताया है? कॉम्पटन सिद्धांत में कॉम्पटन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, एक हल्की धातु का एक टुकड़ा लिया। हल्की धातु कार्बन, एल्यूमिनियम, किसी की भी अगर मैं कह दूं ये ग्रेफाइट का टुकड़ा है तो कार्बन से संबंधित ये ग्रेफाइट का टुकड़ा लिया और ग्रेफाइट के टुकड़े के एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके इस इलेक्ट्रॉन को कह दिया लूजली बॉन्डेड, मतलब बहुत हल्का बॉन्डेड है, हम इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या किया, इस पर एक फोटोन आपतित करवाया। फोटोन आपतित करवाया। जैसे ही एक फोटोन, निश्चित तरंग दैर्ध्य की फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित हुई, इंसिडेंट हुई, तो इस फोटोन ने अपनी कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे दी तथा खुद फोटोन जाके प्रकीर्णित हो गया। क्या हो गया यहां पे? फोटोन जाके यहां पर प्रकीर्णित हो गया। तो यहां पर क्या है, ये प्रकीर्णित फोटोन, मतलब कुछ ऊर्जा दे दी और बचा हुआ फोटोन जाके वहां प्रकीर्णित हो गया। हम मान रहे हैं इस एक्स अक्ष के सापेक्ष ये थीटा बन गया फाई। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है तो ये इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होगा और उसे अगर थोड़ी एनर्जी इतनी मिली है कि वो गति कर सके तो ये जाके यहां पर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। इसका कोण है थीटा। हमने एक्स अक्ष मान लिया, इस एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखूं तो एनर्जी बराबर हो जाएगी एच न्यू, और संवेग देखूं तो एच न्यू अपॉन सी। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन अभी विराम अवस्था में है, इसीलिए इसके लिए mc² एनर्जी। अगर p की बात करूं तो विराम अवस्था में संवेग क्या हो जाएगा, जीरो। इस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एनर्जी देखें तो आपतित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन के लिए एनर्जी देखें तो आपके लिए ईथा क्या ले लेंगे, ई डैश बराबर एच न्यू डैश, और संवेग पी डैश बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग देखूं, एनर्जी देखूं, तो E बराबर पहले थी m0c², अब हो जाएगी mc² e कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, और p e बोल दें तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या थी, जीरो थी, अगर अब संवेग देखें तो क्या हो जाएगा, p बराबर mv। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। हमने एक फोटोन आपतित करवाया, फोटोन जिसकी एनर्जी क्या हो गई, ई बराबर एच न्यू, संवेग एच न्यू अपॉन सी। इस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ई बराबर m0c², एम नॉट विराम अवस्था का द्रव्यमान, सी बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर जीरो। यहां पर प्रकीर्णित फोटोन यहाँ आपतित इंसिडेंट फोटोन के लिए थी E, तो यहाँ क्या हो जाएगा E डैश, P तो हो गया P डैश, और प्रतिक्षिप्त फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो E बराबर mc² और mv, P बराबर mv। ओके, mc² ठीक है। अब कॉम्पटन ने क्या बताया, कॉम्पटन को यहाँ पर दो प्रकार की तरंग धैर्य प्राप्त हुई, टू टाइप्स की तरंग धैर्य प्राप्त की, एक थी लेमडा डैश। यहां पर लेमडा डैश की वैल्यू ज्यादा थी किसकी तुलना में, लेमडा की तुलना में। तो अगर हमें डेल्टा लेमडा निकालना है तो लेमडा डैश माइनस लेमडा करें
लिखें, तो ये होती है कॉम्प्टन शिफ्ट। इस लैम्डा डेल्टा लैम्डा को कहते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट। क्या है ये? कॉम्प्टन शिफ्ट। ओके, अब इन्होंने दो तरंगे किस, एक तो आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य है और एक प्रकीर्णित फोटोन की तरंग है। उन्होंने बताया कि मैंने दो तरंग दैर्ध्य ली, एक आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य, एक परावर्तित फोटोन प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य, और उनमें से एक को लिया लैम्डा, एक को लिया लैम्डा डैश। यहां मैंने बताया लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा है, तो मैं आपको बता रही हूं जो प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य वो ज्यादा होती है आपतित या फिर इंसिडेंट फोटोन की तुलना में। मतलब इस फोटोन के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कम होगी किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। और इन दोनों का अंतर डेल लैम्डा होता है, अगर हम निकालें तो दोनों का अंतर डेल्टा लैम्डा होता है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट। हमें कॉम्प्टन शिफ्ट ही निकालना होता है। ओके, अब हम पहले इनको, हमें हमारे पास क्या क्या आइडेंटिफाई हो गया है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं एक बार। और इसमें ये वाला कोण हो गया फाई और ये कोण क्या हो गया थीटा। ये हो गया प्रकीर्णित कोण या फिर ये हो गया प्रतिक्षिप्त कोण। मैं इसको एक बार साइड में बना देती हूं दोबारा से, क्योंकि काम पड़ता रहेगा। इलेक्ट्रॉन, ये आपतित फोटोन, ये आपतित फोटोन, इस अक्ष के सापेक्ष ये फोटोन यहां पर प्रकीर्णित हो गई और इलेक्ट्रॉन यहां प्रतिक्षिप्त हो गया। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, प्रकीर्णित फोटोन, कोण इसका फाई और इसके लिए कोण ले लिया थीटा। तो मैं थीटा लिख देती हूं, थीटा। ओके, मैंने क्या लिखा था इसके लिए, ई क्या था, ई बराबर एच न्यू, और ये पी बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। इसके लिए क्या लिखा था, ई बराबर एम नोट सी स्क्वायर, पी बराबर जीरो। इसके लिए ई बराबर ई डैश एच न्यू डैश, पी डैश बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी। और इसके लिए ई बराबर एम सी स्क्वायर और पी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो जो हमें एनर्जी संवेग फोटोन जो भी प्राप्त हुआ है पहले हम उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जो भी टर्म्स हमें आइडेंटिफाई हुई है, तो मैं एक तरफ लिख देती हूं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और मैं लिख रही हूं एक तरफ आफ्टर कोलिजन। मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर पड़ने से पहले और फोटोन इलेक्ट्रॉन पर पड़ने के बाद जो भी हुआ है। ठीक है, अगर मैं बिफोर कोलिजन देखूं तो बिफोर कोलिजन में सबसे पहले हमें फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, कब, जब टक्कर होने से पहले। तो हम लिख देते हैं, फर्स्ट लिखते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है, E बराबर एच न्यू, यही है। अब अगर हम सेकंड इसका मोमेंटम देखें, मोमेंटम ऑफ मतलब संवेग, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होगा, मोमेंटम मतलब संवेग, क्या होगा मोमेंटम, P बराबर एच न्यू अपॉन सी। ओके, अब इसके बाद टक्कर होने से पहले इसका भी देख लेते हैं, थर्ड टक्कर होने से पहले जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट फेज में है, मतलब अभी उत्तेजित नहीं हुआ, अभी विराम अवस्था है, तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन. क्या है एनर्जी? ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर और एम नॉट सी स्क्वायर. इसी तरह अगर मैं संवेग लिखूं तो संवेग क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ, सॉरी, मोमेंटम ऑफ. ये सिर्फ थोड़ा इजी करने के लिए मैंने एक साथ इनको लिख दिया यहां पे. तो मोमेंटम ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल्स टू जीरो. ओके, अब हम लिखते हैं आफ्टर कॉलिजन. कॉलिजन होने के बाद वही लिखेंगे, एनर्जी ऑफ, कहां है डस्ट, एनर्जी ऑफ, हमें ये लिखनी है प्रकीर्णित, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब प्रकीर्णित, प्रकीर्णित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी. तो मैं यहां प्रकीर्णित ही लिख देती हूँ स्कैटर्ड को, मैंने यहां प्रकीर्णित. तो एनर्जी ऑफ प्रकीर्णित फोटोन तो क्या हो जाएगा? E डैश बराबर एच न्यू डैश. ओके, अब हम लिखते हैं मोमेंटम, लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ वाई स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकीर्णित फोटोन. प्रकीर्णित फोटोन का मोमेंटम क्या था? P डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी. इसी तरह थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट कहां गया? एनर्जी ऑफ प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगी? E बराबर एम सी स्क्वायर. और फोर्थ, अगर मैं मोमेंटम लिखूं, मोमेंटम ऑफ किसका? वाई प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा? पी इक्वल्स टू एम बी. ओके, तो इस तरह से हमें टक्कर होने से पहले, मतलब इंसिडेंट आपतित फोटोन के आपतित होने से पहले ये वैल्यूज मिल गई, और आपतित होने के बाद मतलब टक्कर होने के बाद ये वैल्यूज हमें गेन हो गई. ओके, अब हमें इसमें क्या करना है? फोटोन, सॉरी, क्वांटम सिद्धांत में हमें ऊर्जा संरक्षण व संवेग संरक्षण के नियमों का पालन करना है. मतलब टक्कर से पहले जो ऊर्जा थी वही क्या होगी? टक्कर के बाद की एनर्जी. मतलब अगर मैं टक्कर से पहले इन दोनों, ये दो एनर्जी है, इनका टोटल करूं तो ये इन दोनों का टोटल किन दोनों के बराबर आना चाहिए? इनके. इसी तरह मोमेंटम, इन दोनों का टोटल किसके बराबर आना चाहिए? इन दोनों के बराबर आना चाहिए. तो हम आगे 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 इनका ऊर्जा संरक्षण के आधार पर डेरिवेशन करते हैं. क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या होगा? एनर्जी क्या लिखेंगे? टक्कर से पहले की एनर्जी, टक्कर से पूर्व ऊर्जा बराबर कितनी होनी चाहिए? टक्कर के बाद की ऊर्जा. यही तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है. टक्कर के पूर्व ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? टक्कर के बाद की ऊर्जा. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ईपी प्लस ईई इक्वल्स टू ईपी प्लस ईई बराबर क्या लिख सकते हैं? ईपी डैश प्लस ईई डैश. मतलब डैश लग दिया तो टक्कर. तो हम क्या लिख सकते हैं? टक्कर के बाद की एनर्जी. तो मैं इसको ये ईई लिख देती हूँ, ईई डैश, और इसको P डैश या फिर पीई डैश या ईओ लगा देती हूँ मैं, यही बात. ठीक है, तो ईपी डैश यहाँ क्या है? ईपी, सॉरी, ईपी मतलब टक्कर से पहले जो फोटोन की एनर्जी है, ये हमें ये एच न्यू लेनी है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच न्यू प्लस इलेक्ट्रॉन की क्या है? एम नॉट सी स्क्वायर.
बराबर। अगर मैं फोटोन उस वाले ऊपर वाले फोटोन की देखूं तो क्या हो जाएगी एनर्जी एक। तो अब मैं ईपी फोटोन की टक्कर के पश्चात फोटोन की ईपी क्या है, ईपी मतलब फोटोन के लिए, तो एच न्यू डैश और यहाँ क्या हो जाएगा एम सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे और इन दोनों में एच कॉमन आ जाएगा, तो एच कॉमन एच कॉमन न्यू माइनस न्यू डैश, यहां तक आ गया। इसको मैंने दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दिया तो क्या हो जाएगा एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, यहां तक आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दिया। अब हम लिखेंगे कंजर्वेशन मोमेंटम मोमेंट संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। अब क्या लेंगे हम, हमें दो नियम लेना है, संवेग ये बताया है कि पहले और बाद में संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार वही जो पहले टक्कर से पहले क्या था, टक्कर से पहले का संवेग था वो टक्कर के बाद के संवेग के बराबर रहेगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग। यहां पर संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पी पी दिया हुआ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको घटकों में कंपोनेंट्स में वियोजित करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसको मैं घटकों में वियोजित करूं तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाला x दिशा में क्या हो जाएगा cos घटक, तो क्या हो जाएगा ये p dash cos phi, ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर वाला, ये sin घटक हो जाएगा। तो sin यहां ऊपर जो x अक्ष में होता है वो तो cos sin cos घटक, और जो लंबवत होता है वो क्या हो जाता है sin घटक। तो यहां पे क्या लिखूंगी p sin phi, p dash है ये किसके बराबर है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव, और ये पी पी कॉस फाइव कॉस फाइव को कॉस फाइव को क्या लिख सकते हैं पी कॉस फाइव बराबर किसके हो जाएगा, यहां आ जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव। ओके, अब अगर मैं इसको घटकों में वियोजित करूं तो क्या आ जाएगा इसके साथ, यहां पे क्या आ जाएगा यहां पीई है तो पीई डैश कॉस थीटा, तो पीई डैश कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहां पर बराबर किसके एम वी कॉस थीटा, ये माइनस वाई में क्या हो जाएगा यहां पर माइनस वाई दिशा में क्या हो जाएगा पी, हाँ तो क्या हो जाएगा पीई पीई डैश साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं एम वी, ये तो एम वी इसके लिए था, हाँ सही है एम वी साइन थीटा। इस तरह से हमने क्या किया, इनको घटकों में वियोजित कर दिया, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक दूसरे में से माइनस होंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे प्रति संतुलित करके रखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष पर संवेग को और फिर वाई अक्ष पर संवेग को देखेंगे। तो मैं करती हूं सबसे पहले टक्कर के पूछे, अब टक्कर से पूर्व टक्कर के पश्चात, तो पहले सबसे पहले क्या देखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा पीई दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या होगा पी पीई सॉरी पी प्लस पीई बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस पीई, या फिर मैं लिख सकती हूँ पी डैश प्लस पीई डैश, पी डैश लिखते हैं पी डैश प्लस पीई डैश बराबर किसके हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर क्या बना लेंगे पी डैश कॉस थीटा प्लस आगे क्या है पीई डैश कॉस, अच्छा ऊपर वाला कॉस फाई है पी डैश कॉस फाई है कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये किस पर हो गया एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दोनों क्या हो जाएंगे एड। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको एच न्यू अपॉन सी प्लस पीई पीई डैश, तो संवेग पीई डैश नहीं आएगा यहाँ पीई आएगा ओनली पी डैश, तो क्या क्या पीई, एक मिनट हमें क्या लिखना है टक्कर से पूर्व वाला, तो टक्कर से पूर्व वाला क्या हो जाएगा P और या पीई आएगा केवल, यहां मैं क्या करती हूँ पीई लिख देती हूँ बार बार, ये इलेक्ट्रॉन के लिए और ये फोटोन के लिए, या पी डैश नहीं है पी प्लस पीई है, ठीक है
यहाँ क्या आ गया पी बराबर एच न्यू, अगर हम पीई दें ये रहा पीई, तो पीई क्या आ जाएगा जीरो। ओके अब हमें लेना पी डैश कॉस फाई, क्या है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, तो क्या आ जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा पीई बराबर क्या हो जाएगा एम एम वी कॉस थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर लेंगे, वाई अक्ष पर अगर वाई अक्ष पर टक्कर से पहले और वही टक्कर के बाद की सिचुएशन देखनी है, तो वाई अक्ष पर टक्कर से पहले की सिचुएशन क्या हो रही है जीरो है, टक्कर से पहले का संवेग क्या आ रहा है जीरो, ठीक है वाई अक्ष पर। और टक्कर के बाद क्या करेंगे वो दोनों जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे पी डैश साइन फाई माइनस पीई डैश साइन थीटा, क्या हो जाएगा पी डैश साइन फाई माइनस पीई डैश साइन थीटा। ओके तो अब हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक केवल मैंने ये कहा किया है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन किया है, टक्कर से पूर्व ऊर्जा और बराबर टक्कर के पश्चात, फिर मैंने x और y अक्ष पर क्योंकि p एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए x व y अक्ष दोनों पर मैंने टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के संवेग की संवेग को आइडेंटिफाई किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों को। तो हम क्या करना है अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का दोनों का स्क्वायर करके ऐड, तो मैंने लिखा है इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, कहां गया इक्वेशन थर्ड सेकंड का लिख दिया मैंने, एक मिनट और, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दिया, इसको मैं एक बार और सॉल्व कर देती हूं फिर इसके बाद इक्वेशन सेकंड देंगे। क्या करेंगे हम, यहां पर आ जाएगा एम वी, देखो एम वी इसको मैंने इस तरफ पहुंचाया तो क्या होगा, मैं यहां पर पहले लिख रही हूं एच न्यू अपॉन सी, ओके माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव, यही आएगा इक्वल्स टू एम वी कॉस थीटा। अगर मैं इसको कॉमन लेके सी को इधर पहुंचा देती हूं तो क्या आ जाएगा एम वी सी कॉस थीटा, एम वी सी कॉस थीटा, ये भी थीटा फाइव एम वी कॉस थीटा, ओके एम वी एक बात और याद रखनी है वो कॉस फाइव ही लेना है कॉस फाइव, ये तो ठीक है ठीक है एम वी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू अब क्या लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव, ये लिख सकते हैं। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड, अब हम इसमें एच को भी कॉमन ले सकते हैं पहले पर इक्वेशन सेकंड नंबर दे देते हैं, ये कौन सी इक्वेशन सेकंड, ओके इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको भी सॉल्व नहीं किया हमने, इसकी वैल्यू कहां पुट करी तो क्या आएगा यहां पर क्या आना चाहिए पी डैश पर पी डैश साइन फाई क्या था यहां क्या था एच न्यू डैश, वहां पर एच न्यू डैश अपॉन सी साइन साइन फाई माइनस पीई डैश ये क्या है एम वी साइन थीटा, ये था इक्वल्स टू जीरो है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, अभी इसको इक्वेशन थर्ड नंबर नहीं देंगे, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां क्या हो जाएगा वही सेम करना है, क्या हो जाएगा ये इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा एम वी सी साइन थीटा एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू साइन एच न्यू डैश साइन फाइव, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है
समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर पहले वैल्यू पुट किए और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इसी तरह वैल्यू पुट किए उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को का स्क्वायर मैंने लिखा स्क्वायर प्लस एड, कौन सा इक्वेशन सेकंड। ओके अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं LHS प्लस LHS और RHS प्लस RHS, तो क्या आ जाएगा m m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर cos cos m स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सॉरी प्लस, अब इसको इस वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन थीटा। ओके अब इसके बाद ये वाला पक्ष हमें क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर दिया, इसी तरह अब हम इसको भी स्क्वायर करके इनका क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो पहले मैं लिख देती हूं ओनली एच न्यू डैश कॉस फाइ, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, इसका भी स्क्वायर मैंने कर दिया। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे होगा इन दोनों में इन दोनों को कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आगे देखो, इसके बाद अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा एच न्यू स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, क्या करेंगे एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यहां तक पहुंच गया ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, अब क्या करेंगे माइनस टू ए बी, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एच न्यू डैश कॉस फाइ आ गया। अब मैं इसको एच स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, तो क्या लिख दूंगी मैं टू एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाइ प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ। ओके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो इसी तरह अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे इसको वन लिख दूंगी, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ये वन हो गया, ये तो फिर क्या बचा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके अब इसमें क्या करेंगे हम, तो अब इसमें हम ये ले लिया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओके प्लस अब इसमें एच स्क्वायर और न्यू को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या लेना है मुझे कॉमन क्या लेना है एच स्क्वायर और न्यू स्क्वायर, तो एक मिनट इस वाले में से और इसमें से कॉमन लेंगे हम क्या लेंगे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके अब क्या बचा माइनस ये बचा टू एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाई। ओके अब इसके बाद क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू वन हो जाएगा, तो आगे लिखते हैं हम, मैं क्या करती हूं यहां पर लिख लेती हूं इक्वेशन फर्स्ट ये लिख रही सेकंड लिख रही यहां पे लिख देती हूं एच क्योंकि काम एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स ये वन। अब इसके बाद इसको मिटा लेते हैं हम, ठीक है इक्वेशन वन तक कर लिख लिया है मैंने। ओके अब क्या करना है हमें इसको वन पुट करना है, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी यहां से एम स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर
ये वन हो गया माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, ठीक है ये आ गई वैल्यू। सॉरी मैंने ज्यादा ऊपर, एक मिनट क्या लिखना है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फोर। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एच ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि अब लिखना है मुझे करना है स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करना है, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके यहां लिख देती हूं, लिखती हूं एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, क्या किया है केवल इसको इधर ले लिया है, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर यहां क्या ले लिया एम सी स्क्वायर, इसको इधर लिया तो प्लस में हो गया, इतना लिया है पहले इक्वेशन को। अब मुझे इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर करूं एम स्क्वायर सी फोर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी फोर, इसके बाद क्या करना है इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो क्या करेंगे एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का भी, इसका भी क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू, अब इसका एच टू ए बी एच न्यू न्यू डैश प्लस सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर, या क्या हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो मैं क्या लिख सकती हूँ एम स्क्वायर सी फोर, इसका कर दिया हमने, क्या किया है स्क्वायर कर दिया। इसके बाद आगे यहां पर भी इसका स्क्वायर हो रहा है न्यू माइनस, वैसे सारा सॉल्व है, अभी मैं अगर इसका भी स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा एम सी फोर बराबर एम स्क्वायर सी फोर एच स्क्वायर, क्या होगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट सी एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन आई है जो सॉल्व किया, इसके बाद एक स्टेप और सॉल्व करते हैं इसको, इसमें क्या सॉल्व किया जा सकता है, अगर मैं क्या करूं इस एच का पूरे में गुणा कर दूं, ये इतना सिंप्लीफाई और किया जा सकता है, तो मैं क्या करूं एच स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फाइव, हमने इसको क्या रख दिया इक्वेशन नंबर फाइव। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फाइव और इक्वेशन फोर कहां है, ये वाली इक्वेशन फाइव और इक्वेशन फोर, इक्वेशन फाइव में से फोर को माइनस कर देंगे, इक्वेशन फाइव में से क्या कर देंगे इक्वेशन फोर को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं, इसको भी यहीं रहने दें इसको, क्या आएगा इक्वेशन फाइव में से हमें फोर को माइनस करना है, तो एम स्क्वायर
सी फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब इस वाले भाग से आर इस वाली साइड से इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस वाली साइड को लिख देते हैं, ठीक है, तो लिखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, मैंने यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद ये तो मैंने इक्वेशन फाइव का राइट हैंड साइड वाला भाग लिख दिया, अब माइनस क्या करना है हमें, ये वाला साइड, तो माइनस किया, माइनस क्या आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, यह आ गया कॉस फाइव। अब क्या होगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, कट जाएंगे, ये हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब क्या आएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकती हूं एम एम स्क्वायर सी फोर, मैंने क्या किया इसको कॉमन ले लिया एम स्क्वायर सी फोर को, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वी सॉरी वी स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही आ जाएगा। मैंने अगर एम स्क्वायर सी फोर का कॉमन ले लिया तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसमें 2h क्या बचा है इसमें 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, तो लिख देंगे भाई 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर, एक मिनट, अब इसमें कुछ ये वाले पार्ट्स देखो कहाँ हैं, ये वाले और इस वाले भाग में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, कॉमन क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव रह जाएगा, है ना, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव रह गया प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2h न्यू न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर, ये बच गया, ओके। आगे अब क्या करेंगे, एक सापेक्षवाद का सिद्धांत होता है, तो मैं लिखूंगी यहां सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार, एक सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार एक इक्वेशन आती है जो है m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या आती है m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड का वर्क कर दूं तो मैं लिख रही हूं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा m नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा।